हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगी जिसकी जानकारी हर महिला को होनी बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूं ब्रा पहनने से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। हर महिला के लिए उनकी ब्रेस्ट शरीर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। ये ना केवल उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि जब वो माँ बनती है तो उनके स्तन से निकलने वाला दूध उनके बच्चे के लिए खाना और दवाई दोनों का काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने स्तन का अच्छे से ख्याल रखें। जहां ब्रा पहनने से फायदे हैं, वहीं इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रा पहनने से क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर आप गलत साइज की ब्रा पहनती हैं तो आपको शरीर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं के स्तन बड़े और भारी होते हैं उनमें गलत ब्रा साइज की वजह से झुक के चलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके कूल्हों और लोअर बैक में पेन होता है। और अगर आपकी ब्रा टाइट है तो उससे भी आपकी हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके पीठ में दर्द हो सकता है। गलत ब्रा पहनने से आपके शरीर में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो है स्तनों में दर्द, यानी ब्रेस्ट पेन। कसी हुई ब्रा पहनने से शरीर में कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं, जिससे कि आपके स्तनों में दर्द हो सकता है। टाइट ब्रा के स्ट्रिप्स आपके कंधों पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से आपके कंधों और गर्दन में दर्द रहता है। स्तनों में मौजूद लिम्फ नोड्स काफी पतली होती हैं और टाइट ब्रा से पड़ने वाले हल्के से प्रेशर से भी ये सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। गलत साइज की ब्रा पहनने से स्तनों के लिगामेंट्स को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे बहुत दर्द होता है और स्तनों में ढीलेपन की समस्या भी सामने आती है। गलत ब्रा साइज के कारण आपके स्तनों के आसपास के एरिया में फोड़े फुंसी भी हो जाती हैं। ऐसा खासकर तब होता है जब आपके ब्रा का साइज बहुत छोटा हो और आपके स्तनों के आसपास कसा हुआ हो। कई महिलाएं आराम के चलते रात में ब्रा पहनकर नहीं सोती, मगर कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्हें रात में ब्रा पहने बगैर नींद नहीं आती। अगर आप बिना ब्रा पहने सोती हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप ब्रा पहनना ही चाहती हैं तो कोई भी हल्की बिना डिजाइन वाली कॉटन की ढीली ब्रा पहन सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रा पहन के सोने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप रात में ब्रा पहनकर सोती हैं, खासतौर से अंडरवायर ब्रा, और अगर ब्रा की वायर आपकी स्किन पे टाइट है तो इससे आपके मसल्स जकड़ सकती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। इसी तरह अगर टाइट स्पोर्ट्स ब्रा भी पहनी जाए तो वो भी आपके ब्लड की सर्कुलेशन को रोक सकती है। आपको पिगमेंटेशन या रंजकता की समस्या भी हो सकती है। टाइट ब्रा पहनकर सोने से स्तनों के नीचे जहाँ रबर होता है वहाँ निशान पड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अंडरवायर ब्रा पहनकर ना सोएं। कई बार टाइट ब्रा पहनने से उसके पीछे के हुक आपकी पीठ में दाग छोड़ सकते हैं या फिर उनसे चोट भी लग सकती है। अगर आप लंबे समय तक बिना फिटिंग की ब्रा पहनते हैं तो गर्मी और पसीने की वजह से आपके ब्रेस्ट के एरिया में फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए रात को सोते समय ब्रा ना पहने। अगर आप नियमित रूप से रात को सोते समय टाइट ब्रा पहनती हैं तो इससे आपके ब्रेस्ट पर प्रेशर पड़ता है और एक तरह की सूजन पैदा हो सकती है, जिसे इडीमा भी बोलते हैं। साइंटिस्ट अभी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि टाइट ब्रा पहनकर सोने से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या नहीं, लेकिन ये बात सही है कि टाइट ब्रा पहनकर सोने से आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है, जिससे कैंसर के सेल्स एक्टिव हो सकते हैं। रात को टाइट ब्रा पहनकर सोना आपको परेशान कर सकता है और आपकी बेचैनी भी बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रा का सही साइज क्या होना चाहिए। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने ब्रा को चेक करें कि वो कहीं से टाइट तो नहीं है। हर 6 महीने में अपने ब्रा का साइज चेक करते रहें, क्योंकि आपके ब्रेस्ट का साइज हमेशा बदलता रहता है। अगर आपके स्तन ब्रा से निकल रहे हैं तो छोटी पीठ या बड़े कप वाले ब्रा का चयन करें। ब्रा ऐसी होनी चाहिए जो पीठ के बीच या निचले हिस्से से स्तनों का भार सहन कर सके। अगर आपके कंधों में दर्द होने लगा है तो आप पैडेड या चौड़ी स्ट्रैप वाली ब्रा का प्रयोग ही करें। स्तन ढीले पड़ने की कंडीशन में आप ब्रा की स्ट्रैप को एडजस्ट करके छोटा भी कर सकते हैं या फिर कम फैलने वाले कपड़े की ब्रा भी प्रयोग में ला सकते हैं। ब्रा साइज 2 पार्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। पहला बैंड साइज, जो कि आपकी छाती के एरिया का नाप होता है जिससे आपके ब्रा का नंबर डिसाइड होता है। दूसरा कप साइज, जो आपके स्तनों को सपोर्ट देता है, उदाहरण के तौर पे 32A, 36B आदि। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपकी ब्रा आपके हिसाब से सही फिटिंग की है या नहीं।
अगर नहीं तो मार्केट जाकर आप सही फिटिंग की ब्रा खरीद सकते हैं। और हाँ, आजकल कई दुकानों में ब्रा खरीदने से पहले ट्राई करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मेरी माने तो आप ब्रा ट्राई करके ही खरीदें। अगर आपके मन में स्वास्थ्य को लेकर कोई शंका या सवाल है तो आप ईमेल करके हमसे जरूर पूछें। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।